जय हिंद, आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। यह जो वीडियो होने जा रहा है आपका परसेंटेज और परसेंटाइल का जो पंगा है ना, आज इसको चलिए समाप्त करते हैं। पहले जो आपका यह पूरा डाउट बन के रखा हुआ है, भैया परसेंटेज क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, कब से ये ज्यादा हाइप में आ गया है, या जब से यूपी ट्रिपल एससी पेट वाला हुआ है ना, तब से ज्यादा करके ये हो गया है। फिर ये जो डीआरडीओ सेप्टम एंड ए का रिजल्ट आया है, इसको लेकर के फिर से आपका क्या हो गया कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या होता है। जो यह आपका रिजल्ट आया है तो ऊपर सबसे टॉप पे देखिए क्या लिखा है, कट ऑफ परसेंटाइल, तो इसको लेकर के फिर से पंगा हो गया कि भैया बताइए परसेंटाइल ये क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि यह परसेंटाइल है क्या। तो सबसे पहले दो चीज जो होता है कि एक होता है परसेंटेज और एक होता है परसेंटाइल, यही दो चीज में आप एकदम कंफ्यूज हैं, तो इसको बहुत बड़ा तोपो पूछ नहीं है, एकदम पहले दिमाग से हटा दीजिए। जो आपका यह परसेंटेज है ना, इस तरह से बनता है, और आपका परसेंटाइल स्कोर, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है, अभी बता दे रहा हूं। ये जो सबसे पहले आपको मैं परसेंटेज वाले को हटा दे रहा हूं, फिर उसके बाद परसेंटाइल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज क्या होता है कि आप जैसे क्लास टेंथ में थे, नाइन्थ में थे, ट्वेल्थ में थे, ज्यादा करके टेंथ और ट्वेल्थ में कितना परसेंट भैया तुम्हारा आएगा, तो क्या हुआ कि 500 मार्क्स का, मान लीजिए आप ट्वेल्थ में है, ट्वेल्थ में पूछा गया भैया कितना परसेंटेज ला दोगे, चलता था 70%, 80%, 90%, 98%, ठीक है। अब हमारा तो इतना आया नहीं, किसी तरह से पास हो गए, इतना ही बहुत है। तो मान लीजिए कह दिए कि 70%, इतना परसेंट, तो कैसे परसेंट निकालते थे, यानी कि जैसे मान लीजिए 500 मार्क्स का पेपर हुआ, ठीक है, पूरा पेपर कितना होता था 500 मार्क्स का, पांच सब्जेक्ट, छह एक एडिशनल सब्जेक्ट होता था, 500 मार्क्स का हुआ। अब इसमें होता था कितना मार्क्स ला दोगे, उसी हिसाब से परसेंट बन जाता था। तो मान लीजिए कितना ला दिए, 259 मार्क्स ला दिए। अब भैया पूछे कि आपका कितना परसेंट बन गया, तो अब इसको हम क्या करते थे, यहाँ पे 100 करके अपना इंट गुड़ा उड़ा करके जितना होता था, ये कितना हो गया अपना जोड़ उड़ लीजिए, घटा लीजिएगा, तो इतना परसेंट आपका मार्क्स बन गया। अब इसी तरह से मान लीजिए कि किसी का 500 में 500 आ गया, मान लीजिए किसी का 500 में 500 आ गया, तो नीचे क्या लिखते हैं कि टोटल मार्क्स, ऊपर लिखते हैं ऑब्टेंड मार्क्स, और गुणे 100 कर देते हैं, क्योंकि परसेंट है, 100 में बात होता है, सबको मिला के कितना भी हो 100 में मिला दीजिए। ग्रेजुएशन में गए तो ग्रेजुएशन में यह हुआ कि भैया 1800 मार्क्स का हो रहा है, और कितना आ रहा है, मान लीजिए 1150 मार्क्स आ, 1150 मार्क्स आपका आ गया। फिर इसमें आप 100 कर दीजिए तो आपका कितना हो गया, 2020 अपना काट उठ लीजिए, लगभग आपका कितना हो जाएगा, 63% इस तरह से हो गया। तो आपको इसी तरह से आपका परसेंटेज हो गया, और ये यहाँ पे करना है 2020 यहाँ से, ये आप अपना 55 यहाँ पे कितना आपका हो गया, 100% हो गया, ठीक है। इस तरह से परसेंट आपका क्लियर हो गया। अब जब आपका परसेंट क्लियर हो गया तो आपको तो पहले से पता था कि भैया यही होता है परसेंटेज इज इक्वल टू जितना है और कितना मिला, गुणे 100 कर देंगे, हो गया। अब चलिए परसेंटाइल पे, परसेंटाइल पे चलिए, परसेंटाइल को मैं इस रेड वाले से बता रहा हूं, ठीक है। अब परसेंटाइल में क्या होता है, मान लीजिए सपोज दैट, अब इसको मैं अंदर रख दे रहा हूं, अपना नीचे रख दे रहा हूं, ठीक है, अब मोबाइल को नीचे रख दे रहा हूं। और परसेंटाइल में क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे कि क्या होता है कि परसेंटाइल में आप देखते हैं कि इतना कट ऑफ बना, 98% 99%, तो ये कैसे होता है, परसेंटाइल जब भी बनता है बहुत ऊपर ऊपर बनता है इस कंपेरिजन टू परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटाइल में मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास है, क्लास में आपके 10 बच्चे, आप कहेंगे कि कैसा क्लास यार बना दिए कि जिसमें 10 खाली बच्चे हैं, कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ कि अब इस एक क्लास में 30 बच्चों को रखूंगा, ऊपर नीचे होगा अपना एक लेकिन फिगर चल रहे हैं ताकि अपना आराम से समझ ले, समझने से मतलब है ना, तो इसलिए मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं, कुछ इस तरह से नंबर आपके पाए हुए हैं, 42, 48, 56, 68 से लेकर के आपका 92 तक इस तरह के नंबर पाए हुए हैं। तो अब पूछा जाएगा कि यह बताइए कि इसमें का इसका जो यह तीसरा बच्चा है, यह जो थर्ड पोजिशन पे आया हुआ है, इसका परसेंटाइल स्कोर बताइए। क्या कह दिया कि इसका परसेंटाइल स्कोर बताइए, इसका परसेंटाइल स्कोर बताइए, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज को भूल जाइए। अब क्या कहना है कि परसेंटाइल इसका बताना है, तो परसेंटाइल बताना है। परसेंटाइल स्कोर में क्या होता है कि तुम जिस जगह पे हो, कितने बच्चे से तुम ऊपर हो, मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप कितने बच्चे से ऊपर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठवें नंबर पे है, तो इसका फटाक से लिख देंगे आठवें नंबर पे है, तो यहाँ पे 10 लोगों का है
तो इसका क्या हो गया, 80% हो गया। ठीक है, तो यही है 80%। अब आपसे पूछ दिया जाए, अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए, देखिए यह हुआ परसेंटाइल और इसका परसेंटेज निकाला जाए तो 86% होगा, और परसेंटाइल निकाला जाएगा तो देखिए 80% हुआ। परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस है। अगर यही अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट हम बढ़ा देते और इसके ऊपर हम कई और बच्चों को कर देते, यानी कि वो जो फाइट होता है, कौन सा फाइट होता है, कट थ्रोट कंपटीशन में अगर रहेंगे, तो इसको 92 किसी के नंबर है, किसी के 92.5, 92 मतलब इसके ऊपर कितने सारे कैंडिडेट हो जाते हैं, तो इसलिए परसेंटाइल बढ़ता है, वो आपका अलग एस्पेक्ट है। तो परसेंटाइल क्या है, तो यही देख लीजिए कि आपका कितना हो गया, 80% हो गया इतने लोगों में, यानी कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है आपकी रिजल्ट में, जैसे DRDO में दे दिया है कि आपका कितना है, 49% है, 49.12485% बना है, तो आपका इतना है 49.1248, तो यही आपका परसेंटाइल है। इस तरह से उसमें दिखाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे 86 marks है, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए परसेंटाइल में कि कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं। जब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे, उन लोगों का मार्क्स जो पता होगा, फिर ना आप परसेंटाइल निकाल पाएंगे। तो बस आप सिंपल जान जाइए कि परसेंटाइल आपका यही होता है। कंसेप्ट को सिर्फ समझ लीजिए, जैसे आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं समझ में आता है, बस जो है अपना अथॉरिटी अपना डेटा निकाल के नॉर्मलाइज करके आपको रिजल्ट दे देती है, आप नॉर्मलाइजेशन वाला रिजल्ट देख लेते हैं, उसी तरह से यही परसेंटाइल वाला भी है। ठीक है, अब इनका, इन महाराष्ट्र का पूछ दिया जाए इनका कितना परसेंटाइल है, तो अब देखिए इनके ये कितना ऊपर है नीचे से, देखिए 1, 2, 3 एग्जाम्पल से आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। इनका 30% है, और इनका देखा जाए तो इनका कितना है, 100% है, क्योंकि इनके नीचे इतने लोग हैं, 10वें पे हैं, इनका 100% है। तो परसेंटाइल का यही कंसेप्ट है, यही है। अब DRDO वाला के को मैं देख करके उसमें आया था, इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से बता दिया। जैसे कि अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया था 0602 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग का, वो कितना था, 98.6753 जो था, तो इतना आपको मिनिमम लाना था तब आपका होगा परसेंटाइल, यानी कि इतना लगभग इस लेवल पे। ठीक है, ऐसा था, तो ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया परसेंटाइल। मिलता हूँ आपसे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद।